जो मेन चीज है वो है ये कि तैयारी आपको कैसे करनी है। यहां पर आपको इस स्लाइड में जो भी दिख रहा है बस इतनी ही तीन चीजों को फॉलो करना है। आप प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप उन्हीं 22,000 लड़कों में आने वाले हैं। लिखित परीक्षा की बात करें तो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें जीएस जीके का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको यहां पर 100 प्रश्न मिलेंगे, 200 अंक होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 अंक की है। अब की बार डबल स्टार, जय हो बिहार मंथन, जय हो बिहार। दोस्तों इसी नारे के साथ जो भी दरोगा भर्ती के लिए या दरोगा की वर्दी के लिए जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, सोच रहे हैं कि इस बार वर्दी मुझे पहननी है, ठीक है, तो मैं बता दूं उनके लिए 90 दिन का प्लान लेकर आया हूं। 90 दिन की तैयारी अगर आप सही ढंग से करते हैं, सही रास्ते पर करते हैं, तो यकीनन आपका सिलेक्शन होगा। आपको पहले बता दें उन बच्चों का जल्दी सिलेक्शन होगा जो 1200 पदों को 12,000 पद मान रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूं बहुत से, अमूमन इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा यार 1275 वैकेंसी है, बहुत कम है। हाँ मैं मानता हूं ये दुख का विषय है, लेकिन आपको बता दूं अगर थोड़ा सा मोटिवेशन कम हुआ तो यकीनन यहीं से आप पहली हार जाते हो। ये 1275 पद बहुत पद हैं ये मान के चलना है, और इसमें एक पद आपका होगा निश्चित तौर पर। अभी से आप किसी डायरी में या कहीं पर लिख कर रख लो कि मेरा एक पद है। तो चलिए जानते हैं, आपको ये जो वीडियो है 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये मान के चलिए इतनी जानकारी देगा कि आपका पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आगे करना क्या है, ठीक है। 90 दिन का पूरा प्लान सेट है अपने दिमाग में, और आपके दिमाग में कैसे सेट करना है ये आखिरी वीडियो में आपको देखना है। चलिए तो सबसे पहले आपको यहां पर 1200 पद नहीं 12000 पद, इसका मतलब ही है आप ये मानो कि बहुत ज्यादा पदों की तैयारी हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बिहार दरोगा में आपको 2 चरण में पेपर देने हैं। केवल इस वीडियो में मैं लिखित परीक्षा की बात करने वाला हूं। अब लिखित परीक्षा की बात करें तो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें जीएस जीके का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको यहां पर 100 प्रश्न मिलेंगे, 200 अंक होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 अंक की है। अब 0.2 प्रश्नों की होती तो 1/5 की होती, यहां पर 0.2 अंकों की बोला है, तो मेरे हिसाब से जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है 0.2 अंक, हो सकता है गलती है, हो सकता है कुछ भी है, तो मेरे हिसाब से 1/10 निकल रही है 0.2 अंक, क्योंकि एक अंक का, एक प्रश्न का ये 2 अंक दे रहे हैं, 100 प्रश्नों के 200 अंक दे रहे हैं, ठीक है। 30% से अगर कम रहते हो, जैसे अगर 200 अंक हैं, 200 का 30% निकाले तो 60 अंकों से अगर कम नंबर आते हैं तो आप फेल माने जाओगे, कट ऑफ में लिए ही नहीं जाओगे, ठीक है। अब 20 गुना लोग बुलाए जाएंगे, यानी 20 गुना लोगों की कट ऑफ बनेगी, ऊपर से 20 गुना लोग यानी कि 25,500 लड़के बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। आपको बता दें जो पेपर होगा जिसमें जीएस और जीके के साथ केवल करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इन्होंने केवल इतना बोला है, लेकिन मेरा मानना है आप यहां पर हल्की फुल्की मैथ्स भी लगाएं, हल्की फुल्की यहां पर रीजनिंग भी लगाएं, ठीक है। हो सकता है जैसे त्रिभुजों को गिनना आ जाए, वर्गों को गिनना आ जाए, दिशा से नॉर्मल सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद अगर हम चलते हैं मुख्य परीक्षा की ओर, तो मुख्य परीक्षा में हम देख रहे हैं कि 2 प्रश्न पत्रों का सामना हमें करना पड़ेगा। ये दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आपको 2 प्रश्न पत्रों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें हिंदी एक प्रश्न पत्र है, हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्नों का होगा, 200 अंक, जिसमें मेरिट में इनके नंबर बिल्कुल नहीं जोड़े जाएंगे, यानी जो मेघा सूची बनेगी वो आपका सेकंड पेपर के हिसाब से बनेगी। इसका केवल 30% से ही आपको पास करना है, 60 अंकों से अगर कम आते हैं तो आप दूसरा पेपर भी नहीं दे पाएंगे, दूसरा पेपर देने से वंचित हो जाएंगे। हाँ मैं आपको बता दूं केवल आपके अगर 60 नंबर भी आते हैं तो आप दूसरे पेपर में जा सकते हैं, 60 के बाद 61 आ जाए, 62 आ जाए, इतने नंबर लाने, यानी अगर प्रश्नों की बात करें तो 30 प्रश्न से ज्यादा आपको सही करने हैं मात्र, ठीक है। काउंट इंपॉर्टेंट कौन सा है, दूसरा प्रश्न पत्र, जिसमें आपको यहां से मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको यह भी बता दूं जो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा यह भी, जिसमें 100 प्रश्न 200 अंक के, इसमें मेरिट जुड़ेगी, मेरिट यहीं से बनेगी। यहां से 6 गुना लड़के यानी 7650 लड़के लिए जाएंगे शारीरिक दक्षता के लिए। आपको यहां पर थोड़ा सा अगर मैं ध्यान यहां पर आपका आकर्षित करूं कि यहां पर जो सामान्य ज्ञान का पेपर है जिसमें नागरिक शास्त्र, सामान्य अध्ययन, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बिहार जीके और गणित,
अब यहां पर गणित और रीजनिंग इन्होंने बोला है, लेकिन मैं जितना अगर पिछले पेपर को संज्ञान में लूं तो वहां पर गणित और रीजनिंग के बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तैयारी कैसे हो, इतनी तो आपको जानकारी होगी, इतनी जानकारी होगी, लेकिन जो मेन चीज है वो है ये कि तैयारी आपको कैसे करनी है। यहां पर आपको इस स्लाइड में जो भी दिख रहा है बस इतनी ही तीन चीजों को फॉलो करना है। आप प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप उन्हीं 22,000 लड़कों में आने वाले हैं, फिर अगले एग्जाम की यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। करना क्या है, अभी जो भी यहां पर आप देख पा रहे हो जैसे लूसेंट फुल कवर करनी है, दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, मुझे लूसेंट फुल कवर करनी है 100%। आप अगर ये देखें लूसेंट के सारे प्रश्नों की बात करें तो यहां पर 310 या 300 से 350 प्रश्न हो सकते हैं, मेरे अंदाजे से हो सकता है 310 प्रश्न हैं। उन पूरे प्रश्नों को आपको बहुत बाकायदे पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा है, घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, इनका आप टाइम डिवाइड करिए। जैसे मॉर्निंग का समय आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पकड़िए, लूसेंट किताब को ज्यादा से ज्यादा घसीटिए पढ़ने में, ठीक है। हो सकता है 2 घंटे से 3 घंटे आप पूरा, 3 से 4 घंटे आप मॉर्निंग का पूरा लूसेंट पढ़ने में लगा रहे हैं, जिसमें टारगेट बनाइए कि मुझे 4 पृष्ठों को कंप्लीट करना है, 4 पृष्ठों को। फिर जब अगले दिन 4 पृष्ठ पढ़ेंगे तो पिछले 4 पृष्ठ मुझे जल्दी से 1 घंटे में कवर करना है, ऐसे कुछ टारगेट आपका रहेगा और हर दिन टारगेट आपको फिक्स करना है। फिर इसके बाद घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो। जब ये लगाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार एसआई में पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो ये लगाना बड़ा अति आवश्यक है। वन लाइनर क्वेश्चन भी अगर घटना चक्र के आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए भी 1 से 2 घंटे आप जरूर रिवीजन करें। वन लाइनर क्वेश्चन देखते ही आपको याद करने की नहीं सोचना है, आपको केवल पढ़ते जाना है। जितना वन लाइनर आप एक दिन में टारगेट बनाइए कि 2 घंटे हमें वन लाइनर पढ़ने हैं और 2 घंटे में हमें कम से कम नहीं तो 500 से 1000 वन लाइनर आपको केवल घसीट के याद करने हैं, ठीक है। बस पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है वन लाइनर की, तो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर पर ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद वन लाइनर के बाद हमें प्रीवियस ईयर पेपर के हमें बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करनी है, वो भी घटना चक्र किताब को आप ले सकते हो। इतना करने से आप ये मान के चलो कि हाँ, बचा केवल अब आपके पास करंट अफेयर्स, और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों चीजों से। बात करते हैं अगर करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स कुछ लोग यूट्यूब को प्रेफर करते हैं, तो यूट्यूब में भी आपको मैं बता दूं, आप पर डे की करंट अफेयर्स ना पढ़ के, जब भी आप पर डे की करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत बेफालतू के क्वेश्चन भी इकट्ठा कर लेते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको बता दूं, जब भी आप यूट्यूब से पढ़ने के लिए तैयार होते हो करंट अफेयर्स को, तो आप मंथली वाले वीडियो देखिए कि जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स, फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स, ऐसे करके 12-12 महीने के आप 12 दिन में पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो, अगर ऐसा कर पा रहे हो तो। नहीं तो यूट्यूब में आप 6 मंथ के, जनवरी से जून, ऐसे जून से दिसंबर, ऐसे करके भी करंट अफेयर्स पूरा तैयार कर सकते हो, ठीक है। 6-6 माह के जब करंट अफेयर्स को आप तैयार करते हो तो आपको वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो देखने को मिलती हैं वो प्रमुख क्वेश्चन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको सरसरी निगाहों में, और यहां पर भी आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे याद ही करना है, केवल पढ़ना है, ठीक है। मैं यहां पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि किसी भी चीज को याद करना है, केवल पढ़ना है, है ना। और इसके बाद अगर आप किताबों को प्रायोरिटी देते हो तो किताबों में हम लोग क्या करेंगे, एक किताब आती है स्पीडी और एक किताब आती है एडुटेरिया, तो इन दोनों किताबों में आप किसी भी किताब को ले सकते हो। और मेरा मानना है कि अगर आप किताब से पढ़ते हो तो यूट्यूब से ज्यादा आप अच्छे से तैयार कर सकते हो अपना करंट अफेयर। बस स्पीडी, एडुटेरिया, लूसेंट और घटना चक्र के वन लाइनर क्वेश्चन और बहुविकल्पी क्वेश्चन, बस इतना आपको कंटेंट तैयार करना है। हो सकता है 4 से 5 किताबें हो और किसी किताबों में झांकना नहीं आपको। आजकल आप देख रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा किताबें आ जाती हैं जिसमें पृष्ठों को बहुत सजाकर आपको दे दिया जाता है, अच्छी सी तस्वीर लगाकर, जिसमें आप आकर्षित हो जाते हो और लगता है कि नहीं, इस किताब से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपकी भूल है। मैं आपको बता दूं, इसमें बस इतना जितना हमने लिखा है ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, 100% है, दावे के साथ कह सकता हूं। इतना कर लिया तो सब कुछ कर लिया मैं कह रहा हूं। फिर इसके बाद आप यहां से सीधा पहुंच जाते हो कहां पर, मुख्य परीक्षा की ओर, जिसमें
मुख्य परीक्षा की ओर, जिसमें हिंदी आ जाती है। मैं अगर मुख्य परीक्षा की अभी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा की थोड़ा शॉर्टकट में बात करें तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन के लूसेंट आप थ्योरी पढ़ने के लिए, आदित्य पब्लिकेशन आप बहुविकल्पी आप प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो। इसके बाद सामान्य ज्ञान का वही सब कुछ तो रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन अब आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी पिछली तैयारी से अगर कंपेयर करें तो ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब आप उन बच्चों से कंपटीशन कर रहे हो जो आपके साथ साथ प्रीलिम्स को पार करके आए हैं, क्रॉस करके आए हैं। वो अच्छे बच्चे हैं, उनको कंपटीशन देना है, उनको बीट करना है, उनको हराना है। तो वो भी अच्छे लड़के हैं। अब जैसे ये 7650 लड़कों में आना है, 22,000 से 7650 लड़कों में आना है, तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। फोकस करके पढ़ना है हमें, यहां पर ये चीजें ध्यान में रखते हुए कि इतना ही हमको पढ़ना है, लेकिन अच्छे तरीके से थोड़ा सा डीप पढ़ना है।